रोड पे हैं, सड़क पे हैं, आज हमारे बीच के अंदर और हमारे बीच में इस समय खड़े हैं डॉक्टर राजीव रे जी। डॉक्टर राजीव रे जी, आप यहाँ रोड पे खड़े हैं और एक तरफ कहा जाता है भारत निर्माण में अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन आप यहाँ रोड पर खड़े हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, मुख्यतः ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए सरकार ने जो पे नोटिफिकेशन निकाले हैं, और आज क्या है मंथ ऑफ फरवरी 2018, 1/1/2016 से जो पे रिवीजन होना था वो आज के दिन में भी टीचर्स के लिए हुए नहीं है। एक दूसरा है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो नोटिफिकेशन लाए हैं उसमें बोल रहे हैं कि 70 और 30, मतलब 70% सरकार देंगे, 30% यूनिवर्सिटीज़ को इकट्ठा करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ कहाँ से इकट्ठा करेंगे? बच्चों से इकट्ठा करेंगे। अगर बच्चों से इकट्ठा करना है, इस क्लियरली कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, कमर्शलाइजेशन की तरफ जाएंगे और फीस बढ़ेंगे। तो और मुख्यतर ये भी है कि प्रमोशन के जो रिलेटेड है, सर्विस कंडीशंस के जो रिलेटेड है, हर जगह में जो नोटिफिकेशन आया है जो अभी तक लागू नहीं हुए हैं, तो उसमें हर जगह में स्टैग्नेशंस हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लेवल पे, प्रोफेसर्स के लेवल पे, एसोसिएट प्रोफेसर्स के लेवल पे पूरा स्टैग्नेशन है, और इवन प्रिंसिपल्स के लेवल पे भी स्टैग्नेशन है। तो ये देखते हुए हमारे पास, क्योंकि टीचर्स कभी नहीं चाहते हैं, हम तो बातचीत की मार्फत से सारे काम करने चाह रहे थे, बट बातचीत भी ये करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और आज यूजीसी में फुल कमीशन बैठ रहे हैं फॉर द सर्विस कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो इसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये आप PhD होते हैं या MPhil होते हैं, उसमें इंक्रीमेंट का कोई? अब एकदम सबसे मुख्यतः 30 साल से टीचर्स को MPhil और PhD इंक्रीमेंट्स, एडवांस इंक्रीमेंट जिसको बोला जाता है, मिलता है। कि लोग 3 साल हो, 10 साल हो, लगा के इंक्रीमेंट्स जो PhD करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसमें जो एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलते थे, इस बार वो भी हटा दिया गया है। तो इसीलिए बहुत सारे डिमांड्स हैं। अगर आप देख ही रहे हो कि डिमांड के लिस्ट जो है वो तो है ही है, बट उस सबसे पहली चीज जो बात है कि डिग्निटी ऑफ टीचर्स, जी एक दो जो पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं कि उस चेंजेस प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, आम आदमी के बाहर चले जाएंगे जिस पॉलिसी लागू किया जा रहा है। तो डॉक्टर, आपका मानना है कि जो एजुकेशन का जो स्तर है, ये दिन पर दिन ये एक मूवमेंट के द्वारा इसे गिराया जा रहा है? देखिए, स्तर अगर हमें विश्वमान में पहुंचना है तो कुछ कुछ पॉलिसीज तो होना चाहिए। विश्वमान में ये नहीं हो सकता है कि टीचर्स का कोई स्थायित्व नहीं है, अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे। टीचर स्टूडेंट्स रेशियो अगर आप देखो सारे भारतवर्ष में हालत खराब चल रहा है। ये सब देखते हुए ये हम मजबूर हो रहे हैं और सरकार को रिक्वेस्ट और डिमांड कर रहे हैं कि देखिए ये पॉलिसी चेंज कीजिए, और जो टीचर के जो जस्टिफाइड डिमांड है वो जल्द से जल्द पूरी कीजिए। धन्यवाद सर। अभी सर ने बताया है कि जो आज जो एजुकेशन का स्तर है, या जो अभी जो इन्होंने जो बजट लागू किया है, एजुकेशन का ध्यान नहीं दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल, एजुकेशन का ध्यान नहीं दिया गया है, और बजट में अगर मुद्रा स्फीति की दर को देखते हुए भी बजट एलोकेशन कम हुआ है। हायर एजुकेशन के लिए और कट है उस बजट में। और दूसरी बात यह है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो जाने का इनका जो रास्ता अख्तियार किया है इन्होंने, उसमें टीचर कहीं ना कहीं पिछ रहा है और सड़क पे उतरने को मजबूर है। उसके अलावा 4500 एडहॉक्स जो टीचर्स हैं, जो कॉलेज में काम कर रहे हैं, उन वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। 2 टीचर्स एडहॉक ही रिटायर हो गए हैं, जिनको कोई बेनिफिट पेंशन का या और कोई बेनिफिट उन्हें मिलेगा नहीं, वो रिटायर कर गए एज एडहॉक टीचर्स। 10 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, कोई नए टीचर भर्ती नहीं किए गए हैं, एडहॉक्स पे काम चल रहा है। और जब इन्होंने लॉ फैकल्टी में जो टीचर्स जिनको भर्ती भी किया है, उसमें एक बड़ा तबका जो वहाँ 15 साल से पढ़ा रहा था, 20 साल से पढ़ा रहा था, उसको इग्नोर करके साइडलाइन कर दिया है। अगर वो अच्छे टीचर नहीं थे तो वो 15 साल उनसे पढ़वाया क्यों गया? और वन फाइन डे आपने उनको नकारा करके सड़क पे छोड़ दिया। उनकी एज नहीं है, वो कहीं भटकेंगे दर दर नौकरी के लिए। 15 साल उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिए हैं, उनके पढ़ाए स्टूडेंट्स जजेस और वेरियस एरियाज में काम कर रहे हैं, तो वन फाइन डे वो गलत हो गए। तो आप किसी को, हम ये नहीं कह रहे हैं प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन आप उन लोगों को इग्नोर भी नहीं कर सकते। उस वर्कफोर्स ने 4500, आपने 10 साल से भर्ती नहीं की, 10 साल से आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई प्रमोशन नहीं की, और टीचर कितना चुप रहेगा? टीचर के पास अब सड़क पे उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। पेंशन्स नहीं मिल रही हैं, लोग टीचर्स रिटायर होके चले गए हैं। आप 10 मिनट बैठ के उनकी व्यथा को सुनिए।
उन लोगों का क्या क्या कहना है, उनका अपनी बीमारी का इलाज कराने का पैसा नहीं है, उनके पास पेंशन नहीं है, वो दर दर भटक रहे हैं। और आप कोर्ट केसेस में, और जिनको मिल सकता था थर्ड कैटेगरी उनको भी आप कोर्ट में ले गए। अगर पेंशन है, सर्विस कंडीशन सब कोर्ट में डिसाइड होना है, तो आपने क्यों UGC, क्यों HRD, ये क्या कर रहे हैं? हर चीज़ के लिए टीचर कोर्ट में जा रहा है। तो अब देखिए, बिल्कुल सड़क पर उतरने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। 4500 टीचर जो एडहॉक है, वो अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का दौर है, प्रमोशंस को लेकर अनिश्चितता का दौर है, पेंशन मिल नहीं रही है, ठीक है, स्टेपिंग अप वगैरह जो और मुद्दे हैं वो अलग से खड़े हैं, जिनका 10 साल से कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी, MHRD, UGC, तो और कौन करेगा? तो हमारी मजबूरी है कि आज हम ये सब कर रहे हैं, और हमने निरंतर इन्हें पत्र लिखे हैं और वेरियस माध्यम से इन तक पहुंचने की कोशिश की है, इनके साथ मीटिंगें की हैं, लेकिन नतीजा शून्य रहा है। और आज हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ सड़क पे खड़े हैं। सर, आपका नाम? विवेक चौधरी, मैं DUTA सेक्रेटरी हूँ। धन्यवाद मैम। अभी यूनिवर्सिटी के अंदर या जो सरकार इस तरीके का इस्तेमाल करो और फेंको थ्रो एंड यूज एंड थ्रो की जो बात कर रहे हैं, अभी सर ने बताया कि पहले उन्हें 15-15, 20-20 साल पढ़वाने के बाद उनके निकाल दिया जाता है, तो मैडम ये जो इस तरीके का जो बजट आया है, बजट से आप कितना प्रभावित हुए हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक एडहॉकिज्म एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पिछले 10 सालों में बढ़ गया है। एडहॉक्स पहले भी हमारे यहाँ होते थे, लेकिन वो एक छोटे नंबर में होते थे, कोई टेम्परेरी पोस्ट आई है, कोई स्टडी लीव गया। अभी परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट हमारे यहाँ तकरीबन 60% टीचर एडहॉक हो गया है, जिसके अपॉइंटमेंट का कोई हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे होंगे। दूसरी तरफ सरकार ये जो बजट लेके आई और हमें 7th पे कमीशन दिया, आपने सुना होगा हमारे HRD मिनिस्टर ने कहा कि हमने तो IIT और IIMs में 70,000 पे 3 साल के लिए टीचर रख लिया है। सवाल ये है कि परमानेंट से हम एडहॉक और एडहॉक से कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन की तरफ जो पूरा एक सिस्टम जा रहा है, उसमें आप ये उम्मीद कैसे करते हैं कि आप अच्छे टैलेंट को हायर एजुकेशन में ला पाएंगे? सरकार जिस तरह के 70-30 कट लगा रही है हम पे, और हमसे ये कह रही है कि 30% हम आपको बताते हैं, आप 30% कैसे लीजिए? आप 30% लेने के लिए हैफा में जाइए, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी में। वो एजेंसी क्या है? आप वहाँ से लोन ले लीजिए, क्योंकि उसमें सरकार अपना कुछ फंड दे रही है, कुछ फंड कॉर्पोरेटिव से आ रहा है, और वो फंड आप लोन की शक्ल में ले लीजिए और आप अपने 30% की ज़रूरत पूरी कीजिए। इसका सीधा मतलब ये है कि 100% ग्रांट जो हमें सरकारों से अब तक मिल रही थी, आप उस 100% ग्रांट में से 70% तो शायद देने को तैयार हैं, लेकिन 30% आप कह रहे हैं आप उसको लोन कीजिए। अब वो लोन आप कैसे रीपे करेंगे? उसके लिए आप सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज शुरू कर दीजिए, जिसमें एक कॉन्ट्रेक्चुलाइजेशन सीधा सीधा आ रहा है। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में परमानेंट फैकल्टी की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जैसे चाहें आप अपना टीचर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ यही सरकार हमारे अलाउंसेस को, आपने अभी प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि पहले जो हमें एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलते थे MPhil और PhD के, दरअसल उसमें एक बहुत बड़ा हम लोगों ने जब हमें मिला था, हमने डिमांड किया था और हमें मिला था पिछले पे कमीशंस में, तो हमारा प्ली यही था कि हमारा टीचर, आप देखिए ग्रुप ए सर्विसेज में टीचर जो लोग आते हैं वो 27-28 साल की एज में एंटर कर जाते हैं और लंबे टाइम तक बहुत जल्दी प्रमोशन होकर सिस्टम में रहते हैं। हायर एजुकेशन में जो टीचिंग कम्युनिटी है वो PhD करने के बाद जनरली आते हैं, तो कुछ कोर्सेज कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के मेनली जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें 35 से 40 की एज में आप एंट्री लेते हैं। आपकी उम्र का एक बड़ा हिस्सा जो दूसरे लोग 10 साल 15 साल सैलरी गेन कर चुके और करियर बना चुके, हमारा वो करियर तो 10 साल बाद शुरू हो रहा है। तो हमने यही कहते हुए कि जो लोग अपना टाइम MPhil और PhD को दे रहे हैं आफ्टर एम ए, आप उनको इंक्रीमेंट्स दीजिए, सो देट दे शुड फील फॉर हायर एजुकेशन, और वो रिसर्च बेस्ड भी चीज़ें करें। वो आप हमसे वापस लेके डिस्करेज कर रहे हैं रिसर्च को हायर एजुकेशन में। सरकार बार बार ये कहती है कि हम रिसर्च को प्रमोट करना चाहते हैं, हम हायर एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ के साथ अपनी यूनिवर्सिटीज़ को देखना चाहते हैं। ये सारे मेजरमेंट्स लेके हमें प्राइवेटाइजेशन करके, फंड्स कट करके, इंक्रीमेंट्स काट के, प्रमोशन ऐसी स्कीम्स ला के जिनसे प्रमोशन जीरो हो जाए। मैम अभी आप कैसे करेंगे? आपने भी बोला कि 70% और 30% वाली जो बात कही थी, 30% आप लोग कहाँ से इकट्ठा करेंगे? और जो वो ही सरकार हमसे ये कह रही है कि आपको 30% का प्रॉब्लम है, हमने हैफा बना दिया है, आप हैफा से लोन ले लीजिए, उस
उस लोन को आपको कैसे रीपे करना है ये यू हैव टू डिसाइड। ये जो पूरा एक नेक का सिस्टम चल रहा है, नेक एक्रेडिशन का, कि जो ग्रुप रैंक ए जिनको आएगा उनको हम ऑटोनॉमी देंगे, ऑटोनॉमी देंगे कोर्सेज को बनाने की, नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने की, लेकिन उसके लिए हम आपको नई ग्रांट नहीं देंगे। लेकिन सर इसका सीधा मतलब ये है कि आप 30% को इन सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज से पूरा कीजिए। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में फीस भी आप ही डिसाइड कर रहे हैं, यानी मिडिल क्लास स्टूडेंट जो अब तक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में कम फीस पे आ जाया करता था, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में वो अगेन लोन लेगा। देखिए एक पूरा विशेष सर्कल है, स्टूडेंट लोन को प्रमोट करने के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए लोन को प्रमोट करने के लिए, और उस सबका फ़ायदा किसे हो रहा है? उस सबका फ़ायदा प्राइवेट सेक्टर, उन प्राइवेट कंपनीज को हो रहा है जो लोन दे रही हैं। तो स्टूडेंट उसमें ह्यूमनिटीज जाएंगी। मैं उर्दू पढ़ाती हूँ, उर्दू लैंग्वेज के लिए कोई 20 लाख 30 लाख पे करके नहीं आने वाला है पढ़ने, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज इस तरह के सब्जेक्ट्स में कम होती हैं। तो धीरे धीरे आप ह्यूमनिटीज़ को, इंडियन लैंग्वेजेस को क्रश करते जा रहे हैं, या वो कोर्सेज जो मार्केट ओरिएंटेड नहीं है लेकिन समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप कह रहे हैं इन कोर्सेज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोन तो आप कॉमर्स के लिए लेंगे, आप इकोनॉमिक्स के लिए लेंगे, आप अंग्रेज़ी के लिए लेंगे। तो मिडिल क्लास बच्चा जो हमारे पास अभी अफोर्डेबल एजुकेशन ले पा रहा था वो सिस्टम के बाहर हो जाएगा। ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है कि आपके पास पैसा है, आपके माँ बाप के पास पैसा है, आप सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में आ सकते हैं बिकॉज यू कैन पे द मनी, अदरवाइज आप जाइए। स्किल कोर्सेज हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, आप 12वीं क्लास पास कीजिए, स्किल कोर्सेज में जाइए, आप कंप्यूटर ठीक करना सीखिए, आप मोबाइल ठीक करना सीखिए, आप दूसरे छोटे मोटे कोर्सेज कीजिए, हायर एजुकेशन में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। अ काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन पॉलिसी। जी मैम, अभी मोदी जी ने एक स्पीच में अपना बोला था कि भाई इतनी इतनी डिग्री करने से फ़ायदा क्या है, आप तो एक पकोड़े की दुकान लगा लें, पकोड़े को भी बिजनेस में ला रहे हैं। तो उसके लिए आपको हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है ना। आप इस तरह के स्टेटमेंट्स दे के किसी भी देश का पीएम या जो जिम्मेदार है देश का, जब वो ये कहता है कि आप पकौड़े बना के भी अपना काम चला सकते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं हम क्यों इसको ऐसे इंटरप्रेट ना करें कि आपको हायर एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं है? हाँ, आप तो स्कूल में पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, पकौड़े बनाने के लिए तो आपको किस रोज़गार तो है लेकिन वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ रोज़गार नहीं है। तो रोज़गार आपको हासिल करना है तो एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अलग अलग कर रहे हैं दो चीज़ों को, आप कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन को मार्जिनलाइज करते चले जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम नजमा रहमानी है, मैं DOTA की ट्रेजरर हूँ। सर आप कुछ कह रहे हैं? हाँ देखिए, जो आप पूछ रहे थे 70-30 की बात जो कर रहे थे, जैसे मैं अपने कॉलेज का उदाहरण देता हूँ मैं आपको, मेरे कॉलेज का सालाना बजट जो है 10 करोड़ रुपए का है। सर कौन सा कॉलेज? रामानुजन कॉलेज। अब 10 करोड़ बजट का यदि 30% आप निकालते हैं तो 3 करोड़ रुपया हमें लाना होगा। 2200 बच्चे हैं हमारे यहाँ, अभी हम 10,000 फी लेते हैं बच्चों से। यदि 3 करोड़ लाने के लिए हमें पर बच्चों से कम 40,000-50,000 फी लेना होगा पर सेमेस्टर का। तो आप सोचिए कि एक हिंदी पढ़ने के लिए, उर्दू पढ़ने के लिए आप कहाँ से कोई बच्चा लेके आएगा? 40, आपको एक मैं डाटा दे रहा हूँ, इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में 10,000 सीट खाली रह गए, 10,000 सीट खाली रह गए, और अशोका यूनिवर्सिटी में कारण यही फी। अब जब आप सेल्फ फाइनेंस कोर्स शुरू करोगे, आप सेल्फ फाइनेंस कोर्स शुरू करोगे, आप 80,000 रुपये लोगे, आप बतावे गरीब का बच्चा कहाँ से लाएगा? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यहाँ सबका साथ कहाँ आ रहा है? आज भी भारत की 70% जनसंख्या बहुत अच्छी तरह रहने के लिए काबिल नहीं है, वो बच्चा कहाँ से 1-1.5 लाख रुपया पर सेमेस्टर का फी देगा? तो कहीं ना कहीं, और हेफा जो बनाया इन्होंने, हायर एजुकेशन फंड अथॉरिटी, उसके लिए इन्होंने 4 तरह के रूल बनाए हैं कि 4 तरह से आप पैसा जनरेट करोगे। या तो हम अपने कॉलेज को किराए पर दे दें, लोन को किराए पे दे दें, बाहर दुकान लगा लें, और पकौड़ा बनाने के लिए भी मैदा बेसन आलू की ज़रूरत होती है, बिना मैदा बेसन आलू के हम पकौड़े नहीं बनाएंगे। पहले मैदा बेसन आलू खरीदने का पैसा तो हमारे पास, उसका तरीका तो जाने, तभी तो पकौड़ा बनाएंगे। ये कहने से काम नहीं चलेगा, और बिना शिक्षा के कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, तो आप रोड पे हैं, तो डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा भाई साहब? डिजिटल इंडिया तब तो होगा जब आपके पास इंटरनेट होगा, जब आपके पास कंप्यूटर होगा। पहले हम कंप्यूटर तो लेके आए, हम
हैं तो बताए सिखाने वाले वही बता रहा हूँ। जब कीबोर्ड हम जानेंगे नहीं कि रैम क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, हम डिजिटल इंडिया क्या कर लेंगे। और आज डिजिटल इंडिया तभी होगा जब हम शिक्षित होंगे, और शिक्षित होने के लिए ज़रूरी है एजुकेशन, नए नए ऐप्स बनाने के लिए ज़रूरी है रिसर्च। जब तक रिसर्च नहीं होगा तब तक ऐप्स नहीं बनेगा और तब तक सबका विकास नहीं हो सकता। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर आलोक पांडे हूँ, डूटा ज्वाइंट सेक्रेटरी।